हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक फॉर्म की बात करी थी, तो आज के लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की बात करेंगे फॉस्फोरस के। तो बेसिकली अगर फॉस्फोरस की बात करें तो किन आयंस को वो अपटेक करता है? जनरली जो प्लांट अपटेक करता है वो रहती है H2PO4, और कौन सी रहती है? HPO4। सबसे मेजर इन्हीं को अपटेक करता है, कभी भी प्लांट PO4 को नहीं करता। ठीक है जी, अगर बात करें डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछ भी लिया जाए किस मेनली फॉर्म्स को क्या करता है, अपटेक किया जाता है, मेनली फॉर्म्स से अगर पूछ लिया जाए तो क्या रहता है? H2PO4 और HPO4 जनरली रहती है जी। अगर हम बात करें जो H2PO4 है तो ये किस टाइप की फॉर्म रहती है? रहती है हमारे पास प्राइमरी ऑर्थोफॉस्फेट, ऑर्थोफॉस्फेट। हाँ जी, और अगर बात करें HPO4 की तो ये जनरली कौन सी रहती है? सेकेंडरी ऑर्थोफॉस्फेट। और अब ये फॉर्म्स बनती कैसे हैं? ये डिपेंड होती है पीएच वैल्यू पे। जैसे जैसे एच हाइड्रोजन आयंस क्या करते जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, उसके बाद क्या होता जाता है, हमारी एल्कलाइन कंडीशन आती रहती है। इट सारा कुछ किस पे डिपेंड होता है? पीएच वैल्यू पे होता है। तो यहाँ पे जो मेजर डिपेंड रहेगा वो किस पर, किसका रहता है? पीएच वैल्यू का मेजर रोल रहता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जैसे जैसे एच आयंस क्या आ जाएंगे, रिमूव होते जाएंगे, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? PO4 बेसिकली होगी। ये कभी भी प्लांट अपटेक नहीं करता। तो इसी चीज को आज हम समझेंगे कि इन ऑर्गेनिक्स में कौन से आयंस को अपटेक करता है और किन आयंस को अपटेक नहीं करता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है ये किसी भी एग्जाम में। ठीक है जी, अगर देखो पिछले भी हमने लेक्चर्स में यही बात डिस्कस करी थी कि जब भी हमारे पास हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, तो DAP में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस कंटेंट होता है, वो अवेलेबल क्यों नहीं हो पाता? तो बेसिकली उसका मेजर सोर्स रहता है क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव होने के कारण ये क्या कर देते हैं, बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, किस बॉन्डिंग कर लेंगे, बॉन्डिंग होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, इनसोल्यूबल हो जाएंगे। इनसोल्यूबल होने के बाद ये कभी भी अपटेक नहीं होते। हम इसी चीज़ को आज समझेंगे। ठीक है जी, अगर बात करें ये आए कहाँ से, जो हमारे पास मेनली अपटेक फॉर्म है H2PO4 HPO4, ये किससे बेसिकली बनती है? बनती है ऑर्थोफॉस्फोरिक से बनती है। और ऑर्थोफॉस्फोरिक बेसिकली किसको बोलते हैं? H3PO4 को बोला जाता है जी। ठीक है जी, अब यहाँ पे बेसिकली जो मेजर हमारे पास डिपेंड रहता है वो सारा का सारा कहाँ पे रहता है? पीएच वैल्यू पे डिपेंड रहता है। ठीक है जी, जैसे जैसे हमारे पास आयंस, आप आयंस भी बोल सकते हो, ठीक है जी, या आप क्या बोल सकते हो, सोयल में जब हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस ज़्यादा हो जाता है तो बेसिकली क्या होगा, सोयल सॉल्यूशन में ही ज़्यादा होगा। सोयल सॉल्यूशन में ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, दो कंडीशन ही होंगी। तो पहली कंडीशन कौन सी हो जाती है, एडजॉर्प्शन होगी। और अगर ज़्यादा हो गया, एक तो होगी मिनिमम और एक होगी ज़्यादा, है ना। अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है जी, अगर बात करेंगे मिनिमम की तो मिनिमम में क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। बट यहां पे दोनों कंपाउंड कैसे रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। दोनों के दोनों कंपाउंड क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। और यही जो फॉर्म होती है कभी भी प्लांट को अपटेक नहीं हो पाती, प्लांट इनको अपटेक नहीं करता। अब प्लांट अपटेक नहीं करेगा तो क्या होगा, बहुत धीरे धीरे से क्या कर पाएगा, वो उसको अपटेक करेगा, डायरेक्ट अपटेक नहीं करेगा सोयल सॉल्यूशन में से। ठीक है जी, अब यहाँ पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंटेंट की, अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें फॉस्फोरस की, तो इनमें मेजर रोल क्या रहता है कि फॉस्फोरस क्यों नहीं कर पाता और नाइट्रोजन इतनी जल्दी क्यों कर लेता है? देखो बेसिकली नाइट्रोजन और क्या हो गया हमारे पास, जितने भी सल्फेट्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, हाईली मोबाइल नेचर के रहते हैं। क्या रहते हैं, हाईली मोबाइल नेचर के रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है सोइल में। ठीक है, देखो अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में नाइट्रेट फॉर्म, कौन सी नाइट्रेट फॉर्म और कौन सी फॉर्म,
सल्फेट फोम, ये क्या रहती है? हाईली सोल्यूबल रहती है, ये क्या रहती है? हाईली सोल्यूबल रहेगी, ठीक है जी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाते, केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें फॉस्फोरिक की, ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, जितने भी फॉस्फेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इनसोल्यूबल रहेंगे, क्या रहेंगे? इनसोल्यूबल। देखो ये सारा का सारा कुछ किस पे डिपेंड है? ये सारा का सारा हमारे पास पीएच पे ही डिपेंड होता है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी ऐसे ऐसे जैसे हमारे पास जो फॉस्फोर सल्फेट होगा ना, H2PO4 होगा, ये क्या होते हैं? रिलीज होते जाएंगे, ठीक है, रिलीज होंगे। बट उसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम अपना प्ले रोल करेगा और इनके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। कैल्शियम H2PO4 तो फ्री हो जाएगा, बट उसके बाद जस्ट कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग करके फिर क्या करेगा? टाइटली इनक्लोज्ड हो जाएगा। टाइटली इनक्लोज्ड हो गया फिर भी नहीं मिल पाता प्लांट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हम कैसे मिल पाता है। हाँ जी देखो, सबसे आगे पढ़ने से पहले आपको पता ही है कि ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रखा है, ठीक है जी, जल्दी जल्दी ग्रैब कर लीजिए। व्हाट्सएप पे भी आप क्या कर सकते हो? मैसेज कर सकते हो, ठीक है जी, और ऐप से भी आप क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो टेस्ट माफिया ऐप से, ठीक है जी। हाँ जी हाँ जी, अगर आप देखो बात करें कि कैसे हमारे पास जो फॉस्फेरिक आयंस हैं, ठीक है जी, फॉस्फेटिक आयंस है, कैसे नहीं अपटेक होते, क्यों इतने स्लोली करते हैं, और क्यों हमारे पास जो नाइट्रेट होते हैं और साथ में कौन से सल्फेट्स, ये इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। हाँ जी, अगर देखो बात करें नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स की, क्या बात करें नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स की, तो बेसिकली हमेशा याद रखनी है आपको, इनकी जो अपटेक फॉर्म होती है वो टू टाइप्स की होगी। कैसी होती है? टू टाइप्स की होगी। या तो ये क्या करेंगे, मास फ्लोम में क्या करेंगे, अब्जॉर्व होंगे, या सेकंड किस में होंगे, डिफ्यूजन में होंगे। अगर मास फ्लो की बात करें तो सबसे ज्यादा मास फ्लो में कौन से होते हैं, याद रखना है, नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स होते हैं। कौन से? नाइट्रेट आयंस का क्या होता है, सबसे ज्यादा मेजर अपटेक होता है मास फ्लो में। क्या होगा? वाटर अपटेक होगा, वाटर के साथ न्यूट्रेंट का भी होगा, क्योंकि मास फ्लो है, ठीक है जी। यहाँ पे सोयल सोल्यूशन क्या होता है? ज्यादा होता है। अब न्यूट्रेंट में कौन सा? नाइट्रेट, आपको याद रखना है, नाइट्रेट और कौन सा? सल्फेट्स जितने भी होंगे, नाइट्रेट और सल्फेट, ठीक है जी। ये क्या होता है? लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में बेसिकली ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन में क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी में आयंस क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में क्या होते हैं? रिलीज होंगे। स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होगा, ठीक है जी, और डिस्टेंस भी वो क्या करेगा? अगर आप लगाओ यहां पे, अगर एग्जांपल की बात करें, देखो जैसे कि यहां पे हमने रूट्स का एग्जांपल लिया, ठीक है जी, यहां से हमने क्या किया, अगर हमने क्या करना है, फॉस्फोरस का देखना है कि कैसे वो अब्जॉर्ब होता है, तो बेसिकली फॉस्फोर सबसे ज्यादा किस में होता है? डिफ्यूजन में होता है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जब ये आयंस को क्या करता है? रिलीज करता है। ये क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटी में करेगा, बहुत ज्यादा लेस में करेगा। जब ये स्मॉल क्वांटिटी में करेगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। क्या होगा? डिस्टेंस भी बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस भी क्या होगा? तो ये जो आयंस है बेसिकली रूट्स तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है जी, ये रूट्स तक बेसिकली क्या नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? रूट्स को क्या खुद ही आना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस बोल सकते हो आप, रूट इंटरसेप्शन जो प्रोसेस होती है, ठीक है जी, वो लगा सकते हो, या आप सोइल कोलाइडल्स पे जो आयंस होंगे फॉस्फोरस के, ठीक है जी, तब जाके हमारे पास प्लांट्स को क्या, रूट्स को क्या होगा? अवेलेबल हो सकता है। अब सोइल कोलाइडल्स में क्या होता है, जैसे कि रूट्स क्या लेंगे, आयंस को अपटेक करेंगे, आयंस को अपटेक करके क्या करेंगे, जैसे जैसे आयंस को लेते रहेंगे और वैसे वैसे क्या करते रहेंगे, डिफ्यूज कर करके वो क्या करते जाएंगे, रिलीज करते जाएंगे, ठीक है जी। हाँ जी,
तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, जब वो क्या प्रेजेंट हो गए तभी तो ये प्रोसेस चलेगी, अगर ये प्रोसेस ही नहीं हो पाई तो कैसे प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ये प्रोसेस बहुत कम हो पाती है, क्यों, क्योंकि जो फॉस्फोरस आयंस होते हैं, या बोल सकते हो आप जो फॉस्फेटिक ग्रुप है, ठीक है जी, ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, हम पहले भी इस चीज को पढ़ चुके हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे और सबसे ज्यादा क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करा के या एच आयंस के साथ करेंगे, या किसके साथ करेंगे, एल्युमिनियम के साथ करेंगे, या किसके साथ करेंगे, आयरन के साथ। जब इनके साथ ये क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तब ये कैसे हो जाते हैं, इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाते हैं, किसमें, सोयल में, ठीक है जी। तो जब ये इनसोल्यूबल फॉर्म में आ गए तो इन्हीं फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, और इनसोल्यूबल फॉर्म वही कभी भी अपटेक नहीं होती और प्रेजेंट नहीं रहती, ठीक है जी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तभी प्रेजेंट या जो आयंस है वो कभी भी अपटेक नहीं कर पाता प्लांट, ड्यू टू प्रेसिपिटेट और एडसोर्ब कंडीशन। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है जी। इसी करके जो मास फ्लो प्रोसेस है, नाइट्रेट सल्फेट इनमें लार्ज क्वांटिटी करके क्या हो जाती है, चलती है, इनके साथ वाटर प्लस ये हाईली मूव करते हैं, डिफ्यूजन हमेशा फॉस्फेटिक ग्रुप करता है, हाईली रिएक्टिव है, और किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन के साथ या एल्युमिनियम के साथ। बट ये सारा का सारा किस पे डिपेंड होगा, ये सारा कुछ डिपेंड होगा हमारे पास सोइल की पीएच पे, किस पे प्रेजेंट होगा, हाँ जी, किस पे डिपेंड होगा, सोइल की पीएच पे। अब देखो अगर पीएच की बात करें, हाँ जी, अगर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एसिडी कंडीशन ले लेते हैं, एसिडिक कंडीशन ले लेंगे, तो यहां पे ले लेते हैं एल्कलाइन कंडीशन, अगर एसिडिक कंडीशन की बात करें तो एसिडिक कंडीशन हमारे पास हमेशा याद रखनी है आपको, लेस देन 7 पीएच पे रहेगी, ठीक है जी, और एल्कलाइन कंडीशन मोर देन 7 पीएच पे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में जो आयंस होते हैं वो कैसे होंगे, पहले तो आयंस की बात करें, ठीक है, अगर हम आयंस की बात करें तो आयंस किस टाइप के होंगे, तो आयंस बेसिकली क्या होते हैं, मेटैलिक होंगे और क्या होंगे, हाईली सोल्यूबल होंगे। मेटैलिक के साथ साथ क्या होंगे, देखो पहली बात तो आपको इस चीज पे फोकस रखना है, मेटैलिक होंगे, ठीक है जी, मेटैलिक आयंस होंगे, ठीक है, मेटैलिक कंपाउंड्स के आयंस भी बोल सकते हो, और साथ में क्या होंगे, हाईली सोल्यूबल होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाईली सोल्यूबल है और कौन से है, मेटैलिक आयंस है, तो हाईली सोल्यूबल होने के पास देखो यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, एसिडिक, और एसिडिक कंडीशन में हमें क्या पता है कौन कौन से डोमिनेंट रहते हैं बेसिकली आयंस, आयरन के होंगे और किसके होंगे, एल्युमिनियम के होंगे, ठीक है जी। अब इनका क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा, कौन प्रेसिपिटेट करेगा और कौन कंपाउंड बनाएगा, तो फॉस्फेटिक ग्रुप बनाएगा, क्या करेगा, फॉस्फेटिक ग्रुप इन कंपाउंड्स के साथ क्या करेगा, रिएक्ट बना देगा और क्या करेगा, हाँ जी, क्या होगा बेसिकली रिएक्शन हो जाएगी, PO4, तो ये सारे के सारे किसमें चेंज हो गए, पहले हाईली सोल्यूबल थे और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो गए, इन सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब यही इनसोल्यूबल फॉर्म प्लांट को नहीं मिल पाती, तभी प्लांट क्या करता है, इनको मेजर अब्जॉर्व नहीं कर पाता, ठीक है जी। तो बेसिकली क्या रहता है, ये रीजन रहता है, हाँ जी। अगर नेक्स्ट बात करें, ये डिपेंड किस पे रहते हैं, अगर डिपेंड की बात करें तो डिपेंड बेसर रहते हैं उसके कैटायन फॉर्म में, या बोल सकते हैं उसकी कैटायनिक फॉर्म पे क्या रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे कैटायनिक फॉर्म बढ़ती है और जो सोल्यूबिलिटी थी, कैटायनिक बढ़ने के साथ सोल्यूबिलिटी अगर कम हो जाए तो हमेशा किस फॉर्म में रहती है हमारे पास, इनसोल्यूबल फॉर्म डोमिनेंट हो जाती है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से डिपेंड किस पे रहती है, उसकी कैटायन
एक्सचेंज पे। अगर आप एग्जांपल की बात करो, अगर आप एल्युमिनियम का एग्जांपल ले लो, ठीक है जी, तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन में क्या था, आयरन था। अगर आप एल्युमिनियम का एग्जांपल ले रहे हो, देखो एल्युमिनियम था, ठीक है जी, और साथ में कौन थे, हमें पता है कि रिएक्टिव है फॉस्फोरस, तो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, और कौन सा ग्रुप करेगा, पीओ फोर करेगा, ठीक है जी। बट जो ये बॉन्ड जब बनता है ना, ये बॉन्ड होता है लाइएबल बॉन्ड। कौन सा होगा, लाइएबल बॉन्ड। और हमने पहले लेक्चर में बात करी थी, लाइएबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है जी, होंगे तो रिलीज तो होंगे, बट क्या होंगे, इजिली हो जाएंगे, थोड़े टाइम के लिए बाइंड होंगे, बट हौली हौली क्या हो जाएंगे, हमारे पास फ्री हो जाएंगे, बट ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लगता। तो बेसिकली जब ये बॉन्डिंग रिएक्ट होगी तो हमारे पास क्या होता है, लाइबेबल फॉर्म में रहेगा। अब इसी पे डिपेंड होके हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है उसको समझते हैं। देखो हाँ जी, एल्कलाइन कंडीशन को थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बॉन्डिंग किस चीज़ की, केमिकल बॉन्ड किसका बना, आयरन फॉस्फेट का बना है, ठीक है जी। क्या बना है, आयरन फॉस्फेट का क्या हुआ, बॉन्डिंग बनी, ठीक है। और ये बाद में क्या होगी, हमारे पास ऐसे लाइएबल फॉर्म भी आ जाती है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाती है, नॉन लाइएबल फॉर्म भी आ जाती है। कौन सी फॉर्म आए जुड़ होती है हमारे पास, नॉन लाइएबल फॉर्म। अब ये नॉन लाइएबल फॉर्म वो फॉर्म होती है, इसमें क्या हो गई, रिएक्शन क्या होती है, बहुत स्लोली होती है। क्या होती है, रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लोली होती है। तो इसी रिएक्शन को हम मेजर क्या कहते हैं, कीमोजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, कीमोजॉर्प्शन। अगर बात करें जॉर्प्शन से, सबसे पहले जो कंडीशन रहती है वो रहती है सॉर्प्शन। देखो सॉर्प्शन होगी, सॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन प्लस कौन सी कंडीशन होगी, कीमोजॉर्प्शन, ठीक है जी। अब देखो एडजॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन ये डिपेंड करती है, लाइएबल फॉर्म है क्या उस टाइम, नॉन लाइएबल फॉर्म है, ठीक है जी। अब एडजॉर्प्शन में क्या होगा, जैसे ये हमारे पास क्या आयन है, क्या है? जैसे ये हमारे पास आयन है, ठीक है जी, इसके साथ कौन अटैच हो गया, या बोल सकते हो आप कैल्शियम कार्बोनेट्स आ गए, कैल्शियम कार्बोनेट्स अटैच हुए, या कौन से हो सकते हैं हमारे पास, एल्युमिनियम फॉस्फेट्स, एग्जांपल ले सकते हो आप एल्युमिनियम फॉस्फेट्स का। जब ये क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे, एडजॉर्प्शन कंडीशन को लेके आए, क्योंकि एडजॉर्प्शन कंडीशन वो होती है जब क्ले मिनरल के साथ क्या करें, क्ले मिनरल पे अटैच हो जाएं, कैल्शियम कार्बोनेट्स या एल्युमिनियम फॉस्फेटिक कोई भी ग्रुप है ना, तो बेसिकली वो कभी भी लंबे टाइम तक नहीं रहता अटैच, ठीक है। उनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, ठीक है जी। वो होती है एडजॉर्प्शन कंडीशन, इसके हम अपर सरफेस पे भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। अब यही फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है, लाइएबल फॉर्म होती है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन कंडीशन। अगर बात करें कीमोजॉर्प्शन कंडीशन, तो कीमोजॉर्प्शन कंडीशन वो फॉर्म होती है जहां पे टाइटली इनक्लोज्ड हो जाए आयंस से, कार्बोनेट्स या एल्युमिनियम आयंस, ठीक है जी। तो बहुत लंबे टाइम के बाद वो क्या हो, रिलीज हो, ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या होता है, कीमोजॉर्प्शन होता है। जैसे कि आप एग्जांपल भी ले सकते हो, यहाँ पे हमारे पास अगर एल्युमिनियम होता, अगर एल्युमिनियम था, उसने बॉन्डिंग किसके साथ बनाई, ऑक्सीजन के साथ, फिर क्या पीओ फोर आ गया, तो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग बनेगी, अगर दोबारा फिर एच बॉन्ड आ गया, और एच बॉन्ड ने किसके साथ, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या किया, अगर बॉन्डिंग बना दी, तो बेसिकली ये किस में आ जाएगा, कीमोजॉर्प्शन में आ जाएगा। और कीमोजॉर्प्शन वो बॉन्ड होता है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा टाइटली हो, टाइटली एनक्लोज्ड हो। तो ऐसे हमारे पास कभी भी
प्रेजेंट नहीं रह पाती फॉस्फोरिक आयंस जो हमारे पास H2PO4 HPO4 है, ठीक है जी। आती तो है बट बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होती है, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा किस पे डिपेंड था, एसिडिक कंडीशन पे। अगर हम बात करें एल्कलाइन कंडीशन की, अगर बात करें एल्कलाइन कंडीशन की, देखो एल्कलाइन कंडीशन को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। सारा का सारा डिपेंड किस पे रहेगा, एसिडिक कंडीशन पे रहेगा। देखो आपको खुद ही आसानी से समझ आ जाएगा, एल्कलाइन जो कंडीशन थी इसमें हमारे पास क्या रहता है, सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी को समझना है, सोल्युबिलिटी क्या रहती है, बहुत ज़्यादा लेस रहती है। क्या रहेगी सोल्युबिलिटी, बहुत ज़्यादा लेस रहेगी। और एसिडिक कंडीशन में सोल्युबिलिटी क्या थी, सबसे ज़्यादा थी। जैसे सोल्युबिलिटी ज़्यादा थी और उसने क्या किया, आयरन और एल्युमिनियम के साथ क्या किया, केमिकल बॉन्डिंग बना दी, क्योंकि फॉस्फेटिक ग्रुप तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा क्या था, रिएक्टिव था, वो तो बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे सोल्युबिलिटी इतनी नहीं हो पाती। जब हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, आयन आएगा, कौन से, क्योंकि भाई पीछे कौन सी वैल्यू थी हमारे पास जो बनी हुई थी, वो थी, अगर आप एग्जाम्पल ले लो, आयरन फोसोफेट का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो यहाँ पे तो कौन फ्रीली मूव करेगा, HPO4 क्या हो जाता है हमारे पास, या बोलो H2PO4 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, H2PO4 रिलीज हो जाएगा, और साथ में कौन रिलीज हो जाएगा, आयरन। कौन हो जाएगा, आयरन रिलीज हो जाएगा। आयरन, जब भी आयरन रिलीज होगा तो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, OH3। तो ऐसे हमारे पास जो ये H2PO4 है क्या हो गया, फ्री हो गया। अब फ्री हो गया तो प्लांट को क्या हो जाता है, अवेलेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, पीएच पे करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अवेलेबल भी हो सकता है। कुछ टाइम के लिए क्या होगा, अवेलेबल होगा, और कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, कैल्शियम के साथ क्या करेगा, फिर बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे कैल्शियम अपना रोल प्ले करता है, ठीक है जी। देखो कैल्शियम कैसे करता है, अब कैल्शियम ने क्या किया, हमारे पास HPO4 को देखा, ठीक है जी, किसको देखा, HPO4 को देखा, और किसके साथ, वाटर के साथ हो गया, ये क्या हो गया, इनसोल्यूबल कंपाउंड बना दिया। फिर से वही बात हो गई जो हमें नहीं चाहिए थी, कि यहाँ पे हमें प्लांट को अब्जॉर्व करवाना था, फिर भी अब्जॉर्व नहीं हो पाता, ठीक है जी। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ गई, एडजॉर्प्शन कंडीशन देखने को मिलेगी। क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, एडजॉर्प्शन कंडीशन देखने को मिलती है। तभी तो हमारे पास फॉस्फोरस की जो मेजर अपटेक फॉर्म रहती है वो कौन सी रहती है, H2PO4 और HPO4 रहती है। इन दोनों का 50-50% रहता है, क्योंकि वहां से फॉर्म आई और वहां से फॉर्म क्या हुई, रिलीज हुई। जब ये फॉर्म्स बीच में रहेंगी, समझ रहे हो, जब ये फॉर्म बीच में रहेगी तो कुछ टाइम मिलेगा, जब ये कुछ टाइम मिलेगा तो यही तो बात हुई थी, वो रिलीज हुआ था। बट उसके बाद जब हमने पीएच को थोड़ा सा बढ़ाया तो फिर कैल्शियम ने क्या किया, अपना रोल प्ले किया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगी, बॉन्डिंग बना लेगा कैल्शियम। तो यहाँ पे फिर एडजॉर्प्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर वही प्रेसिपिटेट दोबारा प्रोसेस, फॉस्फेटिक ग्रुप्स क्या करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, आयरन एल्युमिनियम के साथ या कैल्शियम के साथ बोल सकते हो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अगर हम बात करें जो कैल्शियम है, तो इसने किसके साथ बॉन्डिंग की, तो कैल्शियम ने बॉन्डिंग की फॉस्फेटिक ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है डिपेंड हो रहा है कि जो कैल्शियम के आयंस कितने रिलीज हुए, क्यों, क्योंकि कैल्शियम किस में हो सकता है, डाई कैल्शियम फॉस्फेट में भी बदल सकता है, टेट्रा कैल्शियम फोसोफेट में बदल सकता है, ओक्टा कैल्शियम फोसोफेट में अगर ये चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, तो कभी भी फॉर्म नहीं अपटेक होती, समझ रहे हो। तो कौन सी कंडीशन है, एल्कलाइन कंडीशन। एल्कलाइन में मैंने तभी तो बताया था यहाँ पे एच आयंस नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन होगा, PO4 होगा। PO4 किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ। और एच आयंस कहाँ पे बाइंड हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट प्लस
वाटर मॉलिक्यूल साथ हो गया और ये बाइंड कर लेते हैं, कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, तभी हमारे पास जो H2PO4 है, और बोल सकते हो आप H2PO4 जो ये आयन से हमारे पास रहते हैं मेजर अपटेक होते हैं। अगर हम बात करें 6.5 एक ऐसी वैल्यू है पीएच पे जहां पे जनरली अपटेक होंगे। हाँ जी, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने H2PO4 को भी देखा कैसे केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे और कैसे जो फॉस्फेटिक ग्रुप्स है कौन से मेथड से रिलीज होते हैं, वो हमने बता दिया डिफ्यूजन से होंगे, ठीक है। और जो नाइट्रेट हो गए, सल्फेट जितने भी होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, हाईली या बोल सकते हो मोर क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे। मोर क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे तो क्या होंगे, ये सबसे ज़्यादा हाईली मोबाइल तो रहेंगे ही रहेंगे और क्या होंगे, रिलीज भी इजिली करेंगे। किस मेथड से, मास फ्लो से, ठीक है जी। तो आज में हमने इनऑर्गेनिक में यही चीज़ पढ़ी कि कैसे किस टाइप में जो ऑर्गेनिक आयंस होते हैं फॉस्फोरस के, वो कब H2PO4 HPO4 में सबसे ज़्यादा क्या रहते हैं, रिलीज होते हैं, कभी भी PO4 अवेलेबल नहीं रहता और H3PO4 भी नहीं रहता ड्यू टू एडजॉर्प्शन कंडीशन एंड प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। थैंक यू।